हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड में अलग थलग पड़ गया है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ईरान ने वार्न किया है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है, उनके तरफ से वार्निंग आया है, ईरान के तरफ से एक वार्निंग आया है कि इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड में अलग थलग पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्यों आया है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने जा रहा है और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों, ईरान की तरफ से जो ये वार्निंग आया है कि इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड में अलग थलग पड़ जाएगा, ये दिल्ली वॉयलेंस को लेकर उन्होंने दिया है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वहाँ के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे उन्होंने ये बयान दिया था कि इंडिया में ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक किया गया है, एक संगठित तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक किया गया है। ये कुछ दिन पहले ही वहाँ से स्टेटमेंट आया था। और दोस्तों, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो रखा है, तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, इंडिया के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में जो भी स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आया हो, टर्की की तरफ से आया हो, या किसी और देश की तरफ से आया हो, उन सभी स्टेटमेंट में अब तक का सबसे बेकार स्टेटमेंट आया है, आप कह सकते हैं घटिया स्टेटमेंट आया है ईरान की तरफ से। और हम ईरान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। दोस्तों, सैयद खामिनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है वो इंडिया को ये वार्न करते हुए कि इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड से अलग थलग हो जाएगा। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि द हार्ट ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कन्फ्रंट एक्सट्रीमिस्ट हिंदू। दोस्तों, इन आप वर्ड देखिए उन्होंने क्या यूज किया है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कन्फ्रंट एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज एंड देयर पार्टीज, स्टॉप द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडियाज आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। दोस्तों, ये लास्ट के जो दो तीन वर्ड हैं, इंडियाज आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, तो दोस्तों उनका ये इस स्टेटमेंट से और वर्ल्ड ऑफ इस्लाम से क्या मतलब था, इसके पीछे कहने के उनके क्या मतलब थे, उन्होंने किस वजह से ये कहा कि इंडिया अलग थलग पड़ जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड से। तो दोस्तों, उन्होंने इनडायरेक्टली बात किया है OIC की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब दोस्तों, क्या ईरान के पास सच में इतना पावर है कि इंडिया को वो इस्लामिक वर्ल्ड से अलग थलग कर सकता है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मिलिट्री वाइज ईरान इतना स्ट्रांग है, क्या डिप्लोमेटिक तौर पे ईरान स्ट्रांग है, क्या इकोनॉमिक तौर पे ईरान इतना स्ट्रांग है कि नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम ईरान के अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो 450 बिलियन डॉलर US डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। और ऐसा ईरान के पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है जिससे कि वो ईरान के ऊपर ट्रेड सेंक्शन लगा सके। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर ईरान इंडिया का कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल माइट की बात करें कि क्या पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग है ईरान, तो दोस्तों ईरान के आसपास जो भी कंट्रीज है, जो उसके नेबर्स हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, तो ईरान का इन सभी देशों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है। कतर के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन ठीक है, इराक के साथ काफ़ी बेकार है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इराक का न्यूट्रल रिलेशन है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि उन्होंने कहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड से इंडिया अलग थलग पड़ेगा, तो उनके कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि वो OIC की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सऊदी अरेबिया लीड करता है, तो वहाँ पे भी ईरान का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। वैसे दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रीज इंक्लूड है, तो ईरान अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर सकता है कि उन कंट्रीज को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप इंडिया को तेल ना बेचें, आप इंडिया को नेचुरल गैस ना बेचें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि OIC को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को, सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, और सऊदी अरेबिया के साथ ईरान का रिलेशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं है।
वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच पिछले कुछ वर्षों में, 5-6 वर्षों में रिलेशन अच्छे हुए हैं, रिश्ते अच्छे हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ पे भी ईरान जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इंडिया से। और दोस्तों इंडिया ईरान से बिल्कुल भी अब तेल नहीं लेता है, क्योंकि US ने इंडिया को किसी वजह से धमकाया था कि आप ईरान से तेल ना लीजिए। तो इंडिया अब ईरान से तेल, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत से US जो है वो सैंक्शन लगा रखा है US, तो इस वजह से इंडिया वहाँ से तेल नहीं लेता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि ईरान इतना ज़्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम डिफेंस की बात करें, मिलिट्री डिफेंस की बात करें अगर हम, तो इंडिया 4th नंबर पे है और ईरान जो है वो 14th नंबर पे है। तो दोस्तों फायर पावर इंडेक्स यानी कि किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, उसमें भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजिशन में है, स्ट्रांग पोजिशन में है एज कम्पेयर टू ईरान। तो दोस्तों ईरान जो है वो किसी भी तरीके से इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों ईरान जो है वो एक अलग ही फिराक में लगा हुआ है। OIC को सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, तो ईरान मलेशिया टर्की कतर और पाकिस्तान जैसे देशों की हेल्प से एक अलग ही ब्लॉक बनाना चाह रहा है, ताकि वो OIC से हट जाए और इनका, इन देशों का एक अलग ही इस्लामिक ब्लॉक हो जिसको कि ईरान लीड कर सके। टर्की भी इसी फिराक में है। अब दोस्तों हमको ये समझना होगा कि ईरान क्या हमेशा से ही ऐसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा था क्या, या फिर अभी जस्ट ये स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अगर हम काफ़ी पीछे ना जाएं, हम अगर 6 महीने 7 महीने या 1 साल पीछे जाकर भी देखें, तो ईरान इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दे रहा था जो कि एंटी इंडिया हो, क्योंकि ईरान और इंडिया के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अभी सिर्फ 1-2 ही कमेंट वहाँ से आए हैं। ऐसे कमेंट काफ़ी ज़्यादा वरिंग है, लेकिन अभी भी अगर ईरान कमेंट स्टेटमेंट देना, कमेंट करना बंद कर देगा तो संबंध उतने नहीं बिगड़ेंगे। अब दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बयान आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कि वहाँ के जो सुप्रीम कमांडर था कासिम सुलेमानी, तो दोस्तों वो US द्वारा एयर स्ट्राइक में मारा गया है। तो इस वजह से US और ईरान दोनों आमने सामने आ चुके थे और युद्ध का एक माहौल सा बन गया था, लेकिन कैसे भी करके वो युद्ध टल गया। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में ईरान और USA के बीच काफ़ी ज़्यादा रिश्ता खराब हुआ है। वहीं इंडिया और अगर हम US की बात करें, तो इंडिया और US के रिलेशन संबंध जो है वो अच्छे हुए हैं, और अभी डोनाल्ड ट्रंप US के 45वें राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए हुए थे, तो यहाँ पे इंडिया और USA के बीच में बहुत से मुद्दों पे बात हुआ था, उसमें से एक मुद्दा था टेररिज्म। तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान का इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट टुगेदर अगेंस्ट द इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक रेडिकल, इस्लामिक टेररिस्ट। तो उन्होंने इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने हिंट दिया था पाकिस्तान और ईरान के तरफ। तो दोस्तों इससे ये चीज़ भी ईरान को अच्छा नहीं लगा कि इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है और US वहाँ पर जाके ऐसी बात कर रहा है और इंडिया के तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे जब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए हुए थे, तो उसी वक्त वॉयलेंस हुआ था, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया था। इससे भी ईरान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, और US के भी जो डेमोक्रेट के कैंडिडेट है बर्नी सैंडर, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करना चाहिए था इंडिया को, कि इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है, मुस्लिम लोगों पर इतना अत्याचार कैसे कर सकता है। तो दोस्तों ईरान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है ट्रंप के इंडिया विजिट के बाद से, और उसके बाद ही ईरान ने, मैंने आपको कहा कि हमें देखना होगा कि क्या ईरान पहले से ऐसा कमेंट कर रहा था, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ने जब धारा 370 हटाया था, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से, ईरान न्यूट्रल रहा। इंडिया जब CAA लेकर आया, ईरान न्यूट्रल रहा। लेकिन अब दिल्ली वॉयलेंस जब हुआ है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंडिया छोड़े, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों ये जो कुछ भी हुआ है वो दिल्ली वॉयलेंस के बाद से हुआ है। तो इसका एक सीधा साधा आप समझ सकते हैं उदाहरण कि इंडिया और US के अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, जो कि ईरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ईरान और US का रिलेशन बहुत बेकार है। ईरान और इंडिया का रिलेशन फ्रेंडली अब तक है, अब तक नहीं बिगड़ा है। तो ईरान नहीं चाहेगा कि जो उसका दुश्मन है यानी कि US से, उसके साथ इंडिया का रिलेशन इतना अच्छा हो। तो इसको लेकर ईरान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। दूसरी बात है
कि ईरान इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नाराज है। अब नाराज क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में पहले बताया कि ईरान अब वहाँ से सॉरी इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लेना बंद कर चुका है, एकदम जीरो कर चुका है। अब ये वो सऊदी अरेबिया, यूएस और रशिया से ईरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ले रहा है। और दोस्तों तीसरा कारण जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, और वो फैक्टर है चाइनीज फैक्टर। दोस्तों आज के टाइम में ईरान अगर सबसे ज़्यादा किसी को क्रूड ऑयल बेच रहा है तो वो है चाइना, यानी ईरान के लिए चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है और उसकी बहुत सी कमाई चाइना से ही हो रही है। इसके अलावा चाइना और ईरान के रिलेशन पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे सुधरे हैं, और चाइना ने ये अनाउंस भी किया है कि वो $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में। तो दोस्तों अब ईरान जो है वो पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड हो गया है। और दोस्तों इसका आप एक एग्जांपल इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब मालदीव में जो वहाँ की उस वक्त की सरकार थी कुछ साल पहले, तो जब चाइना का प्रभाव वहाँ पे बढ़ा था तो एंटी इंडिया वहाँ से बहुत स्टेटमेंट आने लगे थे, बयान आने लगे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ की सत्ता पलट हुई, यानी कि दूसरी गवर्नमेंट वहाँ पे बनी जो कि चाइना को लाइक नहीं करते थे, चाइनीज गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को वो लाइक नहीं करते थे, तो वो गवर्नमेंट चेंज होते ही इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे हुए। मालदीव जो है वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना बंद कर दिया। तो दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम ऐसा आशा कर सकते हैं कि अब तक दिल्ली वायलेंस के बाद दो स्टेटमेंट आया है और आगे भी ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि चाइना का ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक तरीका हो सकता है इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो दोस्तों ईरान के इन स्टेटमेंट्स एंटी इंडिया स्टेटमेंट का जवाब इंडिया किस तरीके से दे सकता है, तो दोस्तों इंडिया ईरान को डिप्लोमेट लेवल पर प्रेशर बना सकता है, स्ट्रेटेजिक तौर पर प्रेशर बना सकता है। और दोस्तों इसके अलावा इंडिया ईरान को वो याद दिलवाएगा कि आपका रिकॉर्ड किस तरीके का है ह्यूमन राइट के मुद्दे पर, क्योंकि दोस्तों पिछले साल ही नवंबर दिसंबर में जब ईरान सरकार के खिलाफ वहाँ के लोग सड़क पे उतरे थे, तो वहाँ के खुद के ही जो पुलिस फोर्स थे उन्होंने करीब करीब 500 लोगों का कत्लेआम किया था रोड पे। तो दोस्तों इंडिया उस वक्त न्यूट्रल रहा था, अब भी इंडिया न्यूट्रल है, लेकिन अगर ऐसे ही एंटी इंडिया स्टेटमेंट आते रहे ईरान की तरफ से तो मजबूरन इंडिया को भी एक आईना दिखाना पड़ेगा कि आप देखिए कि आपका ह्यूमन राइट पे आपका कैसा रिकॉर्ड रहा है, ताकि ईरान फिर एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना बंद करें। तो दोस्तों ये था इस पूरे टॉपिक का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब आप अब तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।